जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको पार्ट वन के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देने वाला था, तो मैं आपको एक एक करके कुछ चैप्टर वाइज कुछ डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट दे देता हूँ। और ये डेरिवेशन आई थिंक ये जैसे सॉलिड स्टेट का मेरे पास पड़ा हुआ है, तीन डेरिवेशन है आपको जैसे पता होगा। सिंपल क्यूबिक का एक डेरिवेशन है, एक शायद BCC का एक डेरिवेशन है अपने पास है, और एक शायद FCC का डेरिवेशन है अपने पास। तीन डेरिवेशन है अपने पास इस चैप्टर के अंदर, और तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो चलो एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो स्टार्टिंग है सिंपल क्यूबिक से। पैकेजिंग इफिशियंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, आपको पता ही होगा हाउ टू फाइंड पैकेजिंग इफिशियंसी, इतने परसेंटेज होते हैं उसके अंदर, वो सब चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सिंपल क्यूबिक, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो। अब आपको पता है नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन टू नंबर ऑफ एटम्स आर कंट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आठ है, कॉन्ट्रीब्यूट कितने हो रहे हैं, एक एक हो रहे हैं, आठ कॉर्नर से। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू हाउ मच, 1। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर आप ध्यान दो, तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ए होता है, तो अगर आप देखो अच्छे से तो ये सर्कल का, इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई रेडियस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस, शुड आई राइट ए इज इक्वल टू 2 r, क्योंकि ये एक आर और ये एक आर दोनों कंबाइन होंगे तो अपने को क्या देंगे, 2 r। आगे आगे थोड़ा मूव ऑन करते हैं हम लोग। वट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, आपको तो पता ही होगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है ना, ए का क्यूब होता है, तो ए ऑलरेडी अपने पास गिवन है, एंड देन आप देन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू वॉट, 2 r³, तो इज इक्वल टू 8 r³। पैकेजिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, पैकेजिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉट, नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ सर्कल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। नंबर ऑफ एटम कितना मिला, तो हमने दिखाया था 1 आया अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बताया 4/3 πr³ मिल रहा है अपने को, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी अपने को पता है 8 r³। कुछ कैंसिलेशन पार्ट होगा यहाँ पे, कैंसिलेशन होने के बाद अपने को पाई की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, 3.14 होती है अपॉन 6 × 100, तो हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये 52.33%। अब ये तो हो गया कि ऑक्यूपाइड जगह के लिए, अभी कंटिन्यू अपने को ये भी लिखना कि एम्प्टी स्पेस कितना उसमें, तो एम्प्टी स्पेस मतलब 100 − 52.33, और ये अपने को मिलेगा पैकेजिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके,